हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 में शॉर्टकट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। देखिए यहां पर टैली ईआरपी 9 जब भी आप डाउनलोड करेंगे टैली सॉल्यूशन से, तो आपको ये इस तरह का सिनेरियो मिलेगा। और अगर आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करना चाहते हो तो अल्ट के साथ, देखिए ये एक नीचे लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब अल्ट के साथ ये बटन प्रेस करना है। फिलहाल हमें चलना है एजुकेशनल मोड में, तो चलिए हम प्रेस करते हैं अल्ट के साथ डब्लू। तो Alt और W जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे एजुकेशनल मोड में। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुके हैं। अब आपको कंपनी बनाना है, तो कंपनी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली C प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये C जो है प्रेस करते ही हमारे पास आ चुका है ये विंडो। अब यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है, तो यहाँ लिखा मैंने न्यू कंपनी, इस तरीके से एंटर किया। यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस, तो बस एड्रेस डाल दीजिए और इस तरीके से आप एड्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट जरूर डालिएगा, स्टेट डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। या आप एक शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं एक्सेप्ट कराने के लिए, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करेंगे ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया और साइड में आपकी कंपनी बन गई। अब अगर आपको वाउचर एंट्री पास करनी हो सिर्फ वी प्रेस करना है। वी प्रेस करके कहां जाना है, हमें चलना है रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट के लिए हम F6 प्रेस करते हैं, बहुत आसान है। F6 प्रेस करते ही हम आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर में। और फिर अगर आपको लेजर यहीं पे बनाना है तो Alt C प्रेस कर सकते हैं, और Alt C प्रेस करते ही यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा कैपिटल और ये ऑब्लिक C कर देते हैं यानी अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में चला जाएगा और एक्सेप्ट करा लीजिए, बाकी का यहाँ पर काम कर लीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, कैश कर देना है एंटर करके, और खाली एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए या कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब यहाँ पर आपको अगर एंट्री देखनी है तो पहले तो एस्केप बटन क्या प्रेस करना है, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइएगा, और एस्केप बटन को प्रेस करने के बाद आप सीधा एंट्री को देखने के लिए डिस्प्ले में चले जाइए। उसके लिए आपको खाली कीबोर्ड से डी प्रेस करना है, डेबुक दिख जाएगा, डेबुक के लिए डी फिर प्रेस कर दीजिए और ये आ गए डिस्प्ले में। यहाँ पर देख सकते हैं आपका बिल यहाँ पर जनरेटेड दिख जाएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बिल आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अगर आपको डेट चेंज करना है, ठीक है, डेट चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ F2 प्रेस करना है, यहाँ पर डेट चेंज करने वाली विंडो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें कैलकुलेटर एक्टिवेट किया जाए तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दीजिए, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो चुका है। नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है तो आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे 5 × 7 किया तो 35 आया, 5/2 किया तो यहाँ पे आंसर आया 2.50। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये ऐड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर 567 में 67 ऐड किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 634। तो इस तरीके से कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। बाकी के अन्य वाउचर्स भी इसमें हैं, तो यहाँ पर वापस से आकर के और उन वाउचर्स की एंट्री को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर जाने के लिए खाली भी प्रेस कर दीजिए। अब देखिए रिसिप्ट में हो गया, अगर आप परचेज में जाना चाहते हो तो F9 प्रेस कर दीजिए, आप परचेज में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये F9 दिया गया है। ठीक है, तो F9 प्रेस करिएगा तो परचेज में जा सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स अगर आपको देखना है तो अल्ट के साथ, देखिए यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब होता है अल्ट के साथ F1। तो अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए, स्टॉक जनरल में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट करना है तो साइड में आपको सारी शॉर्टकट कीज दिख रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिजेक्शन इन के लिए आपको अल्ट नहीं बल्कि कंट्रोल, देखिए दो लाइन आ गई ना, तो कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करना है, रिजेक्शन आउट में अल्ट के साथ F6 प्रेस करना है, फिर देखिए इंटेंड के लिए कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करना है। तो सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अगर आप अल्ट के साथ F10 प्रेस करते हो तो फिजिकल स्टॉक वाउचर में आ जाओगे। देखो अल्ट के साथ F10 ये हो गया, तो ये फिजिकल स्टॉक वाउचर में आ जाते हैं हम। ठीक है, इन सबके बारे में बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए आपको पोस्ट डेटेड चेक, देखिए ये पोस्ट डेटेड में जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, टी प्रेस करना है, आप पोस्ट डेटेड में आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ टी। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो आप अगर कंट्रा में जाना चाहते हैं तो F4 प्रेस कीजिए, सीधा कंट्रा में आ जाइए। अगर आप जनरल वाउचर में जाना चाहते हैं F7 प्रेस कीजिए, जनरल वाउचर में आ जाइए। ठीक है,
अगर आप कॉन्फिगर करना चाहते हो तो आप F11 प्रेस कर लो, सारा काम शॉर्टकट पे हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप इन्वेंटरी में जाना चाहते हो F2 कर लो, अगर आप स्टेटरी में जाना चाहते हो टैक्सेशन के लिए तो F3 कर लो, अगर आप एड ऑन में जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है F6 कर लेना है। तो सारी शॉर्टकट कीज बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे चीजों को, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हो तो Alt के साथ F2 प्रेस करो, तो ये देखो ये फाइनेंशियल ईयर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई।